करें स्टार्ट। तो आप लोगों को जैसे पता होगा कि पिछली क्लास में अपन ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर का नाम था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो मिस्टर अनुज आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में तीन अकाउंट बनाने पड़ते, तीनों अकाउंट का नाम क्या है? ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा बैंक या कैश अकाउंट। ठीक है, तो जित्तू रियलाइजेशन अकाउंट का पूरा फॉर्मेट बोल के बता सकते हो? टिकेंद्र, रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट को जब बनाते हैं तो क्या प्रोसेस होती है, क्या कहां पर क्या लेते हैं? हाँ हाँ जो एसेट दिया रहता है बैलेंस शीट में उसको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आएगा, मतलब एसेट जो रहता है डेबिट में जाएगा, लायबिलिटी जो आएगी क्रेडिट में जाएगी। तो सुनीता, कौन कौन सी एसेट और कौन कौन सी लायबिलिटी को ट्रांसफर नहीं करते रियलाइजेशन अकाउंट में? हाँ गलत, हाँ आप बता सकते हो समर, कौन कौन से एसेट्स को ट्रांसफर नहीं करते? मैं लायबिलिटी नहीं पूछ रहा, कौन कौन से एसेट्स को ट्रांसफर नहीं करते रियलाइजेशन अकाउंट में? एक होता है फिक्स्टिशियस एसेट, दूसरा हाँ जो अनरिकॉर्डेड है वो तो बैलेंस शीट में दिखेगा ही नहीं, तो उसको तो ले जाना ही नहीं है। और एक और एसेट था, कौन सा? कैश, कैश को नहीं ले जाना है। ठीक है, तो चलो अब आप लोगों को अगर कुछ याद नहीं होगा तो रिकॉर्डेड है, आप लोग उसको फिर से देख लेना। ठीक है, तो क्योंकि मैं अगर आप लोगों से पूछूंगा तो क्वेश्चन बनाने का टाइम अपना खराब हो जाएगा, तो मेरा टारगेट है 4 से 5 क्वेश्चन कराना है क्लास में। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सब ध्यान से देखना। और जो प्रोसेस से मैं बना रहा हूं पेपर में, आप लोगों को भी वही प्रोसेस फॉलो करनी है, क्योंकि मैं शुरू से बोल रहा हूं कि आपके पेपर में 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 5। और एक क्वेश्चन बनाने में मैक्सिमम आपके पास 35 मिनट बस है, तो आपको अपना क्वेश्चन उस तरीके से बनाना है कि वो 35 मिनट के अंदर बन जाए और सही भी बने, तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर है एक फर्म में, और उन लोग अपना प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर करते हैं? 3:2 के रेशियो में। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2023 इज स्टूड एज अंडर, उनकी बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2023 को। ये छोटी सी बैलेंस शीट है, सबसे पहले दिया हुआ इधर क्रेडिटर्स कितने रुपए का है, 4,50,000। उसके बाद दिया है मिसेस एज लोन, पार्टनर का नाम क्या है? ए। और उसकी पत्नी का लोन है कि मिस्टर ए का लोन है? उस मिसेस ए लोन लिया है, मिसेस MRS, तो ये 2,00,000 रुपए। कैपिटल दिया हुआ है 1,00,000 रुपए और 1,50,000 रुपए ए का और बी का। ठीक है, उसके बाद कैश एट बैंक कितना रुपए है? 90,500 रुपए। डेटर्स 2,00,000 अंदर में दिया है, प्रोविजन माइनस होके बाहर कितना निकल गया? 1,70,000। स्टॉक 4,30,000 और मशीनरी है कितनी? 2,09,500। बहुत सारे बच्चों को यही देख के टेंशन हो जाता है, सर इसका क्या करेंगे, जैसे मेरे साथ होता था जब मैं स्टूडेंट था तब। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, कोई भी चीज अगर लायबिलिटी साइड की है, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, कोई भी चीज अगर किधर की है, लायबिलिटी साइड की चीज है और उसको आप उठा के एसेट साइड में दिखा दोगे तो वो माइनस में दिखेगी, और अगर कोई चीज एसेट साइड की है और उसको उठा के आप लायबिलिटी साइड में दिखाओगे तो वो माइनस में दिखेगी। मतलब एसेट साइड की चीज को अगर आप एसेट में रखोगे तो प्लस में दिखेगा, लायबिलिटी साइड की चीज को अगर लायबिलिटी में दिखाओगे तो प्लस में दिखेगा, लेकिन अगर इंटरचेंज कर दिए तो वो चीज क्या हो जाएगी? माइनस। तो जब प्रोविजन होता है ना, प्रोविजन वो एक्चुअली क्या होती है? लायबिलिटी होती है। वो आइटम किधर का है? इधर का। लेकिन वो प्रोविजन रिलेटेड किससे है?
डेटर से रिलेटेड है, इसलिए डेटर से रिलेटेड है, इसलिए उसको डेटर में माइनस करके दिखाते हैं। आ रही बात समझ में? अगर आप इसे 30,000 को उठा दो, यहां से हटा दो और इस 30,000 को लिख दो यहां पर, तो भी आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। करके बताऊं, देखो प्रोविजन लिख दो यहां पे 30,000 रुपए, तो आपका बैलेंस शीट 9,30,000 हो जाएगा कि नहीं, और यहां से प्रोविजन हटा दो तो बाहर कितना आएगा 2,00,000, तो यहां पर भी 30,000 बढ़ जाएगा कि नहीं, तो 9,30,000 हुआ। मेरा बोलने का मतलब वही था, अगर कोई लाइबिलिटी साइड का आइटम है और वो दिख रहा है कहां पर, एसेट साइड में, तो माइनस में दिखेगा, इसलिए ये प्रोविजन यहां पर डेटर से माइनस हो जाता है। तो जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे ना, तो ये प्रोविजन को जहां लाइबिलिटी उठा के लिखते हैं ना, लाइबिलिटी में लिख देना, और ये डेटर जो दिख रहा है उसको कहां लिख देना, एसेट डेबिट साइड में। मतलब ये एक लाइबिलिटी, ये एक एसेट है और एक लाइबिलिटी है, ऐसा मान के चलना। इतनी बात समझ में आई? आगे, डे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन दैट डेट। अब उन लोग ये डिसाइड कर लिए कि फर्म को अब अपने को क्या करना है, डिसॉल्व करना है, बंद करना है। डेटर्स रियलाइज्ड रुपीज 1,30,000 रुपए। डेटर से लेना कितना रुपया था हमको, 1,70,000, लेकिन उसे मिला कितना पैसा, 1,30,000, मतलब उतना पैसा डूब गया। स्टॉक रियलाइज्ड 4,00,000 रुपए। स्टॉक कितने का था अपने पास, 4,30,000 का, लेकिन कितना रुपया मिला, 4,00,000, कम मिला 30,000। उसके बाद ए प्रोमिस्ड टू पे ऑफ मिसेस ए लोन। ए बोलता है कि मैं अपनी पत्नी को देख लूंगा, मतलब अपनी पत्नी का जो लोन है उसको मैं पेमेंट कर दूंगा, ऐसा बोल रहा है। ए बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपनी पत्नी का लोन पे कर दूंगा, ठीक है। मतलब ए एक लाइबिलिटी को टेक ओवर कर लिया, और एंड टुक अवे मशीनरी एट रुपीज 2,00,000, और मशीनरी भी लेके जाऊंगा मैं, बोलता है कितने रुपए में, 2,09,000 की मशीनरी है, लेकिन कितने में ले जाऊंगा बोल रहा है, वो 2,00,000 में ले जाऊंगा बोल रहा है। एक एसेट भी टेक ओवर करके बैठ गया, ये एसेट टेक ओवर हो गया और ये लाइबिलिटी टेक ओवर हो गई, कौन से पार्टनर के द्वारा, ए के द्वारा। द क्रेडिटर्स वर सेटिस्फाइड बाय पेमेंट ऑफ रुपीज 4,25,000 रुपए। क्रेडिटर लोगों को देना कितना रुपया था, 4,50,000। बात की भैया हम लोग धंधा बंद कर रहे हैं, हमारे पास पैसा का थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, तो आप एक काम करो 4,25,000 रखो, तो ठीक है हाँ बोल दिए, सेटिस्फाई मतलब हाँ बोल दिए, ठीक है 25,000 कम दो। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू रुपीज 3,000। कल मैं ये बताना भूल गया था, लेकिन अभी बता देता हूं क्या होता है। इतनी एसेट्स को बेच रहे हैं, इतनी लाइबिलिटीज की, इतनी एसेट को बेच रहे हो, उससे रिकवरी हो रही है, लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या अपने आप हो जा रहा है काम, ये सब काम करने में खर्चा हो जाता है। एसेट्स को बेचोगे, लाइबिलिटी का पेमेंट करोगे, सब काम करने में क्या हो जाता है, खर्चा। इन खर्चों को बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वसूली व्यय। तो वो जो रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है उसको रियलाइजेशन अकाउंट के कहां डालना पड़ता है, डेबिट साइड में। तो मैं कल एंट्री कराना शायद भूल गया था, मैं अभी तुरंत करा दे रहा हूं 2 मिनट के अंदर। चलो ठीक है, मैं अभी बनाऊंगा तो वहीं पर बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो स्टार्ट करें बनाना क्वेश्चन। तो चलो क्वेश्चन तो समझ में आ गया, अब आपके सामने मान लो ये सवाल आ गया, तो आप लोग कैसे बनाओगे, क्या प्रोसेस फॉलो करोगे। सबसे पहला काम है कौन कौन से अकाउंट बनेंगे पहले ही बताओ, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। अच्छा, बुक में बैलेंस शीट में कैश लिखा है कि बैंक लिखा है पहले बताओ, तो बैंक अकाउंट बनेगा, कैश नहीं बनेगा, कैश एट बैंक लिखा है ना, मतलब बैंक है, क्लियर है मेरी बात। तो 3 अकाउंट बनेंगे, एक रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बनेगा बैंक अकाउंट। तो पहले फॉर्मेट खींचो, स्टेप नंबर 1। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बना, पार्टनर कितने हैं, अगर मान लो पार्टनर का खुद का लोन होता तो एक अकाउंट और बनाना पड़ता, उसको क्या बोलते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो ये 3 अकाउंट का मैंने फॉर्मेट खींच लिया, ठीक है। चलो सबसे पहले इसकी हेडिंग डालेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, कुछ बच्चे लोग पूछते हैं सर यहां पे पर्टिकुलर अमाउंट लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। देखो मेरे को तो ये क्वेश्चन बार बार बनाने हैं, और मैं क्योंकि टीचर हूं तो यहां पर मेरे को बार बार वो चीज लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे को
लेकिन जब आप लोग क्वेश्चन पेपर में बनाओगे तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट इसको बोलोगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा क्या आएगा, बैंक अकाउंट। ये तीन मैंने फॉर्मेट खींच लिए। ये स्टेप नंबर क्या था, वन। अब स्टेप नंबर टू क्या है, बैलेंस शीट खाली करना है। स्टेप नंबर टू क्या है, बैलेंस शीट खाली करो। चलो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, एसेट साइड को उठा लो, कैश एट बैंक। ये जाता है क्या रियलाइजेशन अकाउंट में, ये नहीं जाएगा। तो कैश एट बैंक कहां जाएगा, बैंक अकाउंट में, 90,500। तो यहां पर लिख दू टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक आइटम ले लिए वहां से। डेटर्स, डेटर्स कहां जाएगा, रियलाइजेशन में जाएगा। तो यहां लिखोगे टू डेटर्स, कितना रुपए लिखोगे, 2,00,000। और इसका जो प्रोविजन है वो एक लाइबिलिटी होती है, तो यहां लिखोगे बाय प्रोविजन, बाय प्रोविजन कितना रुपए, 30,000। अच्छा इसका एक और ट्रीटमेंट है, आप एक काम करो डेटर और प्रोविजन को अलग अलग ना दिखा के डायरेक्ट डेटर यही दिखा दो 70,000 रुपए, तो भी सही है। नहीं समझे, अभी मैंने 2,00,000 रुपए यहां लिखा, 30,000 यहां लिखा, ये एक ट्रीटमेंट है। दूसरा ट्रीटमेंट है कि आप डायरेक्ट डेटर लिखो यहां पर, 1,70,000 डाल दो तो भी सही है। आप क्या पसंद करोगे आप अपने हिसाब से देख लो। उसके बाद स्टॉक, कुशल कहां है, कुशल कुशल बोलता हूं, सॉरी हाँ रौनक, मैं नाम मेरे ध्यान से उतर गया था, मैं रौनक बोल रहा था। स्टॉक, स्टॉक कितना है, 430। उसके बाद मशीनरी, 2,09,500। ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट में। मैंने एसेट खाली कर दिया पूरा, कोई ऐसी एसेट बची क्या जो उठाने से यहां से लेने रह गई, नहीं। अब उसके बाद यहां लिख दो क्रेडिटर्स, चार लाख 50,000। मिसेस ए लोन, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है, इसको यहां लेना पड़ेगा बाय मिसेस ए लोन, 2,00,000। मिस्टर ए का लोन रहता तो नहीं लेते, तो हमने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, यहां लिखेंगे ये ए का है, ये बी का है, ए का है, बी का है, बाय बैलेंस बीडी। ए का कितना है, 1,00,000, और 1,50,000। समझ में आया बात, बैलेंस शीट में ऐसा कोई आइटम बचा जो लेने से रहा, सब उठा के लिख लिए, मतलब बैलेंस शीट क्या हो गई, खाली। अब रियलाइजेशन का काम करेंगे, रियलाइजेशन मतलब कौन सी एसेट को बेच रहे हैं, कौन सी लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, कौन सी एसेट और लाइबिलिटी को कौन उठा के ले जा रहा है। तो चलो सबसे पहले बात करेंगे डेटर्स, डेटर्स को कौन ले जा रहा है, बेच रहे हैं। डेटर से पैसा कितना आ रहा है, 31, और स्टॉक से कितना रुपया आ रहा है, 4,00,000। तो जब पैसा आता है एसेट बेचने से तो क्या लिखते हैं, बाय बैंक लिखेंगे, डेटर्स, डेटर से कितना आया, 31। उसके बाद स्टॉक से आया 4,00,000। मशीनरी को तो कौन ले जाऊंगा बोल रहा है, ए, और उसकी वाइफ का पेमेंट को कौन कर दूंगा बोल रहा है, ए। तो ठीक है, मशीनरी और उसकी वाइफ का लोन, इसका जुगाड़ हो गया। क्रेडिटर्स का पेमेंट, क्रेडिटर लोगों को कितना दे रहे हैं पेमेंट, क्वेश्चन में लिखा है कि ए ने प्रॉमिस किया ए की वाइफ का लोन दे देगा, मशीनरी ले जाएगा। चलो पहले इसकी एंट्री कर लेते अपन, तो यहां पर लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट मतलब उसकी वाइफ का लोन लेके जा रहा है ना, और मशीनरी ले जा रहा है, मशीनरी कितने में लेके जा रही है, 2,00,000। मैं लिख देता हूं मशीनरी, ठीक है, और ये उसकी वाइफ का लोन पेमेंट कर रहा है, तो यहां लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, कितना रुपए,
उसकी वाइफ का लोन, मिसेस ए लोन, कितना रुपए दे रहा है? पूरा देना पड़ेगा 2 लाख रुपए। क्लियर है? उसके बाद क्रेडिटर लोगों को 4,25,000 में सेटल कर रहे हैं, तो यहां लिखोगे टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 4,25,000 रुपए, ऐसा नहीं लिखेंगे टू क्रेडिटर्स, बाय टू बैंक लिखेंगे, सॉरी मैं गलत लिख दिया था, टू बैंक 4,25 अंदर आएगा, लिखोगे क्रेडिटर 4,25,000 और यहां पर आएगा लास्ट में लिखा है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस हुए कितने रुपए के, 3,000, इसको रियलाइजेशन एक्सपेंस भी बोलते हैं, 3,000, तो टोटल लगा दो बाहर 4,28,000 रुपए। कोई चीज रह गई, सब ले लिए, अब अपन को लास्ट में क्या करना है, टोटल लगाना है और रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस चेक करना है कि कितना आ रहा है, और जो रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको दोनों भाई में बांट देना है, दोनों पार्टनर में बांट देना है। टोटल कितना आया बोलो, इधर का टोटल 2 और 2, अच्छा इसका टोटल पहले निकालेंगे बाहर, 1 लाख ये आएगा, 5,30,000 आएगा। हाँ अब टोटल मारो, उन्नीस लाख दस हजार आ रहा है क्या क्रेडिट साइड का टोटल चेक करो, बहुत स्लो हो भाई आप लोग, कैलकुलेटर स्पीड चलाना सीखो। तीस हजार प्लस 4,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 5,30,000 प्लस 2 लाख, सॉरी मैं गलत लगा दिया था, टोटल 14,10,000 आ रहा है क्या इधर का क्रेडिट साइड का, है ना, और डेबिट साइड का कितना आ रहा है, 2 लाख प्लस 4,30,000 प्लस 20 लाख, 2,09,500 प्लस 2 लाख प्लस 4,28,000, 14,67,500 आ रहा है। 14 जो ज्यादा होता है ना टोटल उसी को दोनों साइड लिखते हैं ना, 1,467,500, 1,467,500 माइनस एमआरसी 57,500 डिफरेंस आ रहा है, ये आ गया आपका लॉस। यहां लिखोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी, 57,500 को आपको बांटना है, कौन से रेशियो में बांटोगे, 3:2 में, तो डिवाइड बाय 5 × 3 करो तो आएगा 34,500, 34,500 डिवाइड बाय 3 × 2 करोगे तो हो जाएगा 23,000 बस आएगा, ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। अब रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करना है, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट तो कंप्लीट हो गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इसका सेकेंड इफेक्ट लेना है, सेकेंड इफेक्ट चेक करो कहां कहां पे पार्टनर लोन है, पार्टनर कैपिटल आया है, सॉरी यहां दिख रहा है पार्टनर कैपिटल, यहां दिख रहा है पार्टनर कैपिटल, यहां दिख रहा है पार्टनर कैपिटल, ये तीनों की एंट्री यहां पे ट्रांसफर होगी, यहां पर लिखोगे बाय बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना रुपया आएगा, 2 लाख, कौन सा वाला अमाउंट आया, ये वाला अमाउंट यहां पर आया। अब ये वाला जो अमाउंट दिख रहा है वो इधर आएगा, यहां पे लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, दो लाख। यहां पर जो ट्रांसफर किए कौन सा वाला ट्रांसफर किए हम, लोन वाला, और यहां पर जो किए मशीन वाला है, हाँ ये लोन वाला है और ये है मशीन वाला, क्लियर है। अब उसके बाद रियलाइजेशन का जो लॉस हुआ है वो ट्रांसफर कर दो, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस हो गया, कितने का हुआ, 34,500 का और
23,000 का ये लॉस हो गया। और कोई चीज है पार्टनर कैपिटल में आने लायक? सब तो ले लिए, ये सब तो आएगा नहीं, ये ले लिए हैं ये आएगा नहीं, ये सब आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये ले लिए ठीक है और ये ले लिए हैं। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे जो डिफरेंस आएगा ना, पैसा देना लेना निकल जाएगा। मैं कल आप लोगों को बताया था, याद करो, इधर वाला जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है वो क्या बताता है, पार्टनर का कितना पैसा फर्म में जमा है, और इधर वाला जो अकाउंट है वो क्या बताता है, पार्टनर को कितना फर्म से लेना है, फर्म को पार्टनर से कितना लेना है। अब बी की बात करेंगे, बी का 1.5 लाख जमा है और बी से फर्म को 23,000 रुपए लेना है, तो फर्म अब जा रहा है, पार्टनर फर्म बंद हो रहा है, तो बी को कितना देना पड़ेगा, नेट निकाल लो टू बैंक, कितना आएगा, 1,50,000 माइनस 23,000 कर दो तो कितना आएगा, 1,27,000 बी लेके जाएगा घर। अब ए का देख लो, ए का 1 लाख रुपए जमा था प्लस 2 लाख रुपए इसके लोन का आ गया, माइनस 2 लाख रुपए मशीनरी ले गया और 34,500 नुकसान हो गया। आ रहा है टोटल, मार लो यहां का टोटल 3 लाख आएगा, तो यहां का कितना आएगा, 150, 150 पार्टनर इतना ही लोग लेके जाएंगे, पार्टनर लोग ये ए लेके जाएगा और ये बी लेके जाएगा, क्योंकि ए का कितना रुपए जमा था, 3 लाख, और ए को कितना देना था, इतना देना था, तो 3 लाख जमा है, इतना काट लिए और जो बच रहा है उतना उसको पेमेंट करके खत्म कर देंगे। क्लियर है? अब सुनो मेरी बात, बैंक अकाउंट में पहले भी बताया था कुछ नहीं है, आपको सिर्फ उसकी सेकेंड पोस्टिंग लेनी है। रियलाइजेशन अकाउंट देखो कहां कहां पे बैंक डेबिट क्रेडिट हुआ है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट देखो कहां पे बैंक डेबिट क्रेडिट हुआ है, बस उसकी सेकेंड एंट्री ले लो, बैंक अकाउंट अपने आप टैली हो जाएगा। देखो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट देखो कहां पे बैंक डेबिट क्रेडिट हुआ है, बैंक यहां पर क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो रियलाइजेशन में जाके क्या हो जाएगा, डेबिट। यहां पे बैंक डेबिट हुआ है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो चलो यहां पर लिखेंगे, बैंक अकाउंट में जाके लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,30,000, 5,30, और इधर लिखेंगे बाय कितना रुपए जा रहे हैं, यहां पे 4,28,000 रुपए। दोनों पार्टनर कितना लेके जा रहे हैं, बाय ये वाला जो पार्टनर लेके जा रहे हैं, बाय एस कैपिटल अकाउंट 65,500 ले जाएगा ए, और बाय बीस कैपिटल अकाउंट 1,27,000 रुपए। अब जब दोनों साइड का टोटल मारोगे ना भाई, कैश अकाउंट टैली हो जाएगा, और नहीं हो रहा है मतलब अपना सवाल गलत बना है। कितना आ रहा है टोटल बोलो, कहां से 62,500 आएगा, 90,500 प्लस 5,30,000 ये, अच्छा 62,620 बोलो ना, 620,500, और इधर का भी टोटल आ रहा है उतना ही, 620,500। तो ये बन गया आपका। अगर क्वेश्चन में अकाउंट बनाने बोलेगा, अभी तो फिलहाल क्वेश्चन में क्या बोला था पहले सुनो, प्रिपेयर क्या बनाने बोल रहा है आपको, लेकिन मैं सिखाने के लिए तीनों बना दिया। मान लो अगर इसी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करने बोलता तो, मैं अभी जर्नल एंट्री भी करके बता रहा हूं, तो आप लोग एक काम करो, मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसको नोट कर लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर मैं इसी क्वेश्चन में ही जर्नल एंट्री भी सिखा रहा हूं आप लोगों को। नहीं देखो ना, लोन का पेमेंट एक तरफ से ए बोलता है कि मैं अपनी पत्नी का लोन दे दूंगा, तो ए का जो लोन है यहां चढ़ गया, मतलब ए की वाइफ का लोन इसके में चढ़ गया, मतलब फर्म को अब उसको 2 लाख रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, वहीं पे वो मशीन भी लेके उठा के चला गया 2 लाख की, तो 2 लाख का एक लायबिलिटी ले जा रहा है और 2 लाख का एसेट ले जा रहा है, दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया। क्लियर है? तो देखो ना यहाँ पे मशीन का 2 लाख लिखे एके में और लोन का 2 लाख यहां डाल दिए, एक तरफ देना है एक तरफ लेना है।
हाँ डिफरेंट होता तो डिफरेंट के हिसाब से फिर इधर बैलेंस बढ़ जाता, उसका कैश ज्यादा ले जाता वो। कैपिटल अकाउंट इसीलिए बनाया जाता है, कितना देना लेना है वो अपने आप निकल जाता है। क्लियर है? इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है बनाना, लेकिन मैं समझाने के लिए बनवा दिया हूं। अब मेरे को जर्नल एंट्री भी सिखाना है। नहीं बोलेगा तभी, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उतना ही काम करना है बस अपने को। ये पूरा बनाने के बाद जर्नल एंट्री करनी नहीं, है। या तो क्वेश्चन में आपको ये बनाने बोलेगा अकाउंट, या फिर बोलेगा जर्नल एंट्री। और आप बिना रियलाइजेशन अकाउंट बनाए जर्नल एंट्री कर ही नहीं सकते। तो जब आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछ दिया ना, तो रफ में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट में। नहीं, सिर्फ रियलाइजेशन। और कैपिटल अकाउंट का कितना देना लेना है वो भी निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों काम है ना, वर्किंग नोट का पार्ट बन जाएगा। जर्नल एंट्री अगर पूछ दिया तो हाँ, लेजर पोस्टिंग करना है। इधर देखो मैं बता रहा हूं, सुनो। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कभी कभी क्वेश्चन में अकाउंट बनाने नहीं बोलेगा, कभी कभी क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि जर्नल एंट्री पास करके बताओ। तो जर्नल एंट्री तभी आप पास कर सकते हो जब आपने रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाया है। अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट नहीं बनाओगे तो जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते। इसके पीछे कारण ये है, जर्नल एंट्री जो होती है इसमें ये प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, लॉस कैसे पता चलेगा आपको? रियलाइजेशन प्रॉफिट या रियलाइजेशन लॉस पता कैसे चलेगा? जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तभी पता चलेगा ना। तो ये काम जर्नल एंट्री के केस में रफ में, रफ बोलता हूं, वर्किंग नोट में आपको करना है। एक शॉर्ट में वर्किंग नोट बनाना छोटा सा, और वहां पर आप लिख कर बताना सब। हाँ नहीं, पार्टनर कैपिटल की भी होगी। हाँ तो ये भी बनाना पड़ेगा। तो आपको सेकंड नंबर का अकाउंट वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा, कौन सा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट से ही तो पता चलेगा कौन से पार्टनर से कितना देना है लेना है निकल रहा है ये। हाँ, कैश बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं जर्नल एंट्री अगर कर रहे हो तो। आपको ये दोनों अकाउंट वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा अगर आप जर्नल एंट्री कर रहे हो तो। अगर नहीं बनाओगे तो आपको बहुत सारी अमाउंट नहीं मिलेगी, जैसे रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस, पार्टनर से कितना देना लेना है वो, उसकी अमाउंट। तो मैं जर्नल एंट्री करूं अब? अभी कोई लिखेगा नहीं, सब देखते जाओ बस मैं जर्नल एंट्री कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले जर्नल एंट्री होती है जो एसेट और लायबिलिटी आपने उठा उठा के कहां लिखा, रियलाइजेशन में। तो जो जो एसेट लायबिलिटी रियलाइजेशन में गई है सिर्फ उनकी ही जर्नल एंट्री होगी पहला, और जो एसेट और लायबिलिटी रियलाइजेशन में नहीं गई है उसकी एंट्री नहीं होगी। तो पहली एंट्री, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है लेकिन मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से। जर्नल एंट्री नंबर वन, चलो बताओ। अभी हम एसेट्स की बात करते हैं। डेटर उठा के लिखा आपने, स्टॉक लिखे, मशीनरी लिखे। जर्नल एंट्री करोगे तो कंपाउंड एंट्री मारोगे, कंपाउंड मतलब एक साथ, अलग अलग नहीं करना। तो स्टॉक, राहुल माइक ऑफ कर लो भाई, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, ये तीनों को क्या करना है, जर्नल एंट्री मारना है। तो यहां पर बताओ रियलाइजेशन अकाउंट में ये आया है डेबिट साइड में, और ये आइटम में क्या लिखे हो, टू लिखे हो, टू। जर्नल एंट्री करने का एकदम सिंपल फंडा बताओ, ये टू है ना, तो टू हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो ये टू वाला क्रेडिट में जाएगा। तो डेबिट क्या हो जाएगा, और ये बाय में है, बाय मतलब डेबिट, तो मतलब ये बाय और टू क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन। क्लियर है? तो चलो अभी सबसे पहली एंट्री करते हैं। क्या क्या था, डेटर्स, स्टॉक, हाँ मैं वही देख ही रहा था आप लोगों को, डेटर्स, स्टॉक और मशीनरी, ये टू में है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट,
टू स्टॉक अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट बीइंग एसेट ट्रांसफर्ड टू रियल अकाउंट नहीं है रियलाइजेशन है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं। तो बताओ अमाउंट कितनी थी डेटर की, स्टॉक कितने का था 430,000 और मशीनरी कितने की थी 209,500, सबको जोड़ दो 839,500। क्लियर है, ये हो गई पहली जर्नल एंट्री। अब दूसरी जर्नल एंट्री लाइबिलिटी को ट्रांसफर करने वाली कर दो। लाइबिलिटी में क्या क्या है, प्रोविजन आया है, क्रेडिटर आया है, मिसेस ए लोन आया है, ये तीनों को डेबिट और टू क्या करोगे रियलाइजेशन। Being liability is transferred to realization account, मैंने शॉर्ट में लिखा है लेकिन आप लोग लिखोगे तो फुल में लिखोगे। बोलो प्रोविजन कितने का था, 30,000 का था। क्रेडिटर्स कितने के थे, 450 के। और मिसेस ए का लोन कितने का था, 2,00,000 का। तो 650 और 680 आ रहे टोटल, ये हो गया। हमने एसेट और लाइबिलिटी ट्रांसफर कर लिया। रियलाइजेशन अकाउंट को मैं जर्नल एंट्री में पास कर रहा हूं ना, ये तीनों हो गया और ये तीनों हो गया। अब ए जो है, ए ने क्या किया है, मिसेस ए का लोन ले गया है, ले गया कि नहीं। तो एसेट लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर की एंट्री क्या करोगे आप, देख के बताओ मेरे को। एक लाइबिलिटी टेक ओवर करके ले गया पार्टनर, तो इसकी एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट। और एसेट टेक ओवर करके बैठा है ए, तो इसकी क्या एंट्री होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब जो एसेट को बेचने से पैसा आ रहा है ये वाला, और जो क्रेडिट लाइबिलिटी को पेमेंट करने से पैसा जा रहा है, इसकी क्या एंट्री करोगे। ये तो अंदर जो लिखे ना डिटेल बताने के लिए लिखे, मेन तो कौन सा अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो रहा है, बैंक। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पैसा आने की, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा जाने की। चलो पहले एसेट पैसा आने जाने की एंट्री कर लेते हैं। हाँ कहाँ डेबिट क्रेडिट, चलो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग, यहां लिखोगे बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स को बेचने से पैसा वसूली हुआ कितने रुपए का, 530,000। देखो एक क्लास रिकॉर्ड हो रही है और मैं ये बोल रहा हूं कि आप अगर बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो, आप अगर क्लास 12th में पढ़ते हो, तो ये क्लास दोनों के लिए रिलीवेंट है। तो आपके कोई फ्रेंड होंगे जो क्लास 12th वाले हैं, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो ये क्लास के वीडियोस को, और फर्स्ट ईयर वाले हैं तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 530। उसके बाद पैसा जाने की एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना, 428,000 गया। अब पांचवा, एसेट टेकन ओवर लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। जब पार्टनर एसेट लेकर जाएगा तो क्या एंट्री मारेगा, फर्म क्या एंट्री करेगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन।
ठीक है, कितना रुपए का एसेट लेके गया, यहां पे लिखोगे बीइंग मशीनरी टेकन ओवर बाय बाय छठवा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल कितना रुपए, 2 लाख। लिखोगे बीइंग बीइंग मिसेस एज लोन टेकन ओवर बाय मिसेस ए का लोन को टेक ओवर कौन करके बैठ गया है, ए। तो एसेट लाइबिलिटी का भी टेकन टेक ओवर हो गया, जर्नल एंट्री की बात कर रहा हूं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा एक चीज और है, मैंने लाइबिलिटी पेड का एंट्री किया ना, ये वाला एंट्री किया ना, 4/28 एक साथ मार दिया, तो यहां पर एक चीज और थी, क्या थी अंदर में, एक तो लाइबिलिटी का पेमेंट हो रहा है, एक तो क्या हो रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो आप उसको या तो एंट्री अलग कर दो या नरेशन में लिख कर बताना पड़ेगा कि लाइबिलिटी पेड, यहां पे लिखा ही नहीं हूं ना, मैं लिख देता हूं यहां पे बीइंग लाइबिलिटी पेड लाइबिलिटी एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, ऐसा लिख के दिखाना पड़ेगा, तब वो बात पूरी होगी, क्लियर है। इसके बाद अब बताओ काहे की एंट्री छूट रही है हमारे से, छूट रही मतलब हमने अभी तक उसकी बात ही नहीं की है, जो लॉस हो गया ना, लॉस ये वाला लॉस अब कौन बियर करेगा, ए और बी, तो ए का अकाउंट डेबिट बी का अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, दोनों के में जिनकी जिनके अमाउंट डाल दो। सातवें नंबर पर एंट्री होगी कितना, एस अकाउंट एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना कितना था, एक का 23,000 था और एक का कितना था 34,500, टोटल कितना आया था, बीइंग रियलाइजेशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड रियलाइजेशन लॉस को क्या किया आपने, डिस्ट्रीब्यूट किया, तो रियलाइजेशन वाला तो हो गया अब सब हमारा, है ना, इसमें कुछ बचा क्या लेने के लिए, नहीं। अब आप लोग आ जाओ कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल में ओपनिंग जो बैलेंस उतारते उसका कोई एंट्री नहीं होता, इसका एंट्री कर चुके हैं कि नहीं, हम रियलाइजेशन से कर ली ना, एसेट टेकन ओवर वाला लाइबिलिटी टेकन ओवर और एसेट टेकन ओवर का एंट्री हो गया है, रियलाइजेशन लॉस भी बांट चुके हैं, तो सिर्फ क्या बच रहा है, बैंक इनको पेमेंट करने का एंट्री बच रहा है, एंट्री क्या करोगे, ए अकाउंट डेबिट बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट करने का एंट्री, क्योंकि इसकी एंट्री हो चुकी है, इसकी एंट्री हो चुकी है, इसकी भी एंट्री हो चुकी है, बस बचा क्या है, क्यों इसकी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि देखो ये जो ए ने टेक ओवर किया था यही तो यहां पे सेकंड लिए कि नहीं एंट्री, आप बताओ, ए ने ये जो टेक ओवर हुआ था इसका सेकंड एंट्री आपने यहां लिया कि नहीं लिया, ये जो लॉस वाला एंट्री ले चुके हो कि नहीं, तो इसकी दो दो बार जाना एंट्री मत कर देना, क्योंकि आपने इसी को डेबिट क्रेडिट मारा है। अब जो एंट्री नहीं हुई है वो कौन सी है, ये वाली बैंक, तो एंट्री क्या करोगे, कुछ डाउट है, नहीं कैपिटल तक का आना है, हाँ आठवें नंबर पर एंट्री होगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कितना कितना दे रहे हैं, बीइंग फाइनल अमाउंट पेड टू पेड टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को फाइनल अमाउंट का पेमेंट किया गया,
कितना कितना दे रहे हैं भाई लोगों को, 65,500 और 1,27,000 रुपये, 65,500 और 1,27,000, दोनों का टोटल 65,500, 1,27,000 है, 65,500 प्लस 1,27,000, 1,92,500 आ रहा है भाई। तो अगर आपसे जर्नल एंट्री पूछ देगा तो ये करना है, इस तरीके से करना है, और अगर अकाउंट बनाने बोल देगा तो ऐसे बनाना है। जर्नल एंट्री का टोटल नहीं, जर्नल एंट्री का टोटल लगाना कोई अनिवार्य नहीं होता। तो किसको किसको अभी डाउट है, मुस्कान, राहुल, आप लोगों में से सबको क्लियर है? नहीं सर, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन, हाँ बोलो, फोटो ले रहे हो? एक मिनट, हाँ इतना हो गया, कोई एक ले लो फोटो और उसको ग्रुप में शेयर कर देना। आगे बढ़े, कोई एक लेके फोटो भेज दो ना ग्रुप में। और नहीं भी ले रहे हो तो मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा जो सॉल्यूशन है उसका, तो टेंशन मत लो आप लोग। फोटो लेने से गैलरी बस भरेगी और कुछ नहीं होगा। चलो तो हमारे सामने अब अगला क्वेश्चन पेश है। क्या पूछ रहे, क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो बस पहले। पास जर्नल एंट्री और प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट बोल रहा है, तो मैं तो बोला भाई जर्नल एंट्री बनाना है तो बिना रियलाइजेशन अकाउंट बनाए नहीं होगा काम, बनाना ही पड़ेगा। क्लियर है? उसके साथ फ्री में आता है पार्टनरशिप, हाँ उसके साथ फ्री में आता है पार्टनरशिप, हाँ। चलो हो गया, कहाँ जीएसटी लिखा है? हाँ तो क्या हो गया, तो आउटपुट जीएसटी मतलब एक लाइबिलिटी। जीएसटी देख के आप लोगों को बीपी हाई हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता। जीएसटी आउटपुट जीएसटी होता है ना, वो एक लाइबिलिटी है, मतलब सरकार को आपको पैसा देना है। फाइनल अकाउंट में मैंने बताया आप लोगों को चीज, तो एक नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करो, रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देना, उसको फिर पेमेंट मार देना। मैं समझा दे रहा हूं और ये होमवर्क दूंगा आप लोगों को। चलो ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। तीन पार्टनर है ए बी और सी, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली लिखने का मतलब होता है हिंदी में क्रमशः, तीन किसका है, ए का है, दो किसका है, बी का है, और एक किसका है, सी का है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, their balance sheet as on 31st of March 2023 was as follows. Cash at bank कितना है, 2800। तो बोलो cash account बनेगा कि bank account बनेगा? Bank account। Debtors दिया है 55,000 और provision है 5,000, दोनों का difference बाहर। तो ये एक asset होती है और ये क्या होती है, liability। तो मैंने इसका बताया था क्या करना है पिछले question में। Stock 45,000, investment 9,000, मत बजाओ, machinery 55,000। तो ये एसेट्स की पोजीशन है, लाइबिलिटी में आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी कुछ नहीं होता भाई, एक नॉर्मल सी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है। इसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देना और जैसे पेमेंट करते हैं कर देना। क्लियर है? क्रेडिटर्स 38,200 रुपए, एज लोन, ए का लोन, पार्टनर है कि पार्टनर की पत्नी है, ए का खुद का लोन है, तो इसका एक लोन अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा। हाँ, अब बात होती है रिजर्व फंड की। रिजर्व फंड, रिजर्व, रिजर्व का क्या करते हैं, पार्टनर लोगों को उनके पीएसआर में बांट देते। तो रिजर्व की एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं करूंगा, डायरेक्ट उठा के कहां लिखूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखूंगा। क्लियर है?
कैपिटल अकाउंट ए का 50, बी का 30 और सी का 20, 1,00,000 बाहर। तो बैलेंस शीट समझ में आई। मशीनरी सोल्ड फॉर ₹40,000, ठीक है, मशीनरी को 40,000 में बेच दिए। रिसीव्ड 30,000 एंड 40,000 फ्रॉम स्टॉक एंड डेटर्स। स्टॉक से कितना मिल रहा है 30 और डेटर से कितना मिला, रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, मतलब पहले जिसका है, पहले जिसका नाम है उसका है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है 2,000। मशीनरी के बारे में बोल दिया, स्टॉक के बारे में बोल दिया, ठीक है, डेटर्स के बारे में भी बोल दिया है। आगे और देखते हैं, बी टू कोवर इन्वेस्टमेंट फॉर ₹7,500, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो इसका जानते हो आप लोग क्या करना है। तो ऐसी कोई एसेट बची क्या जिसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, सबके बारे में बोल दिया। इसका तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट बनाओगे, याद है। तो एसेट्स क्लियर है पूरे, चलो लाइबिलिटी में आ जाओ। क्रेडिटर्स वर पेड ₹38,500, क्रेडिटर्स को 38,200 देना था लेकिन कितना देना पड़ा, ठीक है, ज्यादा देना पड़ा। इन फुल एंड फाइनल पेमेंट, कौन कौन सी चीजों के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। आउटपुट जीएसटी के बारे में कुछ बोला, भाई धंधा बंद कर रहे हो, गवर्नमेंट थोड़ी छोड़ देगी आपको। तो ये लाइबिलिटी, अगर सुनो कोई लाइबिलिटी ऐसी है जिसके पेमेंट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, कोई अगर ऐसी लाइबिलिटी है जिसके पेमेंट के बारे में क्वेश्चन क्या है, तो ये मान लेना चाहिए कि जितना रुपया दिख रहा है उतना रुपया पेमेंट कर दिए होंगे। हाँ, करना पड़ेगा, मतलब आपको ये मानना है कि इतना ही रुपया मैं सेटल किए हैं, क्लियर है। हाँ, करनी पड़ेगी लाइबिलिटी का पेमेंट करने का एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट बंद कर, दुकान बंद कर रहे हो ना, धंधा बंद हो रहा है, तो कोई लाइबिलिटी और एसेट को छोड़ थोड़ी सकते हो आप, तो पेमेंट तो करोगे कि नहीं करोगे इसका। ए के लोन के बारे में कहीं कुछ लिखा है क्या, पढ़ो, मतलब ए के लोन को भी सेटल कर दिया होगा, करना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है ना भाई। रिजर्व के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो उसको बांट देंगे पार्टनर लोगों के बीच में। क्वेश्चन बोलता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बट हम रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और बैंक अकाउंट भी बनाएंगे और जर्नल एंट्री भी पास करेंगे, सीखना है ना हमको। ए के लोन के लिए ए का लोन अकाउंट अलग से बनेगा, वही निपटा देंगे उसके लोन को, कल मैंने फॉर्मेट बताया था क्लास में। लोन अकाउंट में उसका क्रेडिट बैलेंस उतरेगा, बाय बैलेंस बीडी करके ए का लोन 20,000 और इधर टू बैंक करके 20,000 निपटा देना उसका। उसका जर्नल एंट्री होगा, उसका एंट्री होगा ए का लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक ही एंट्री होगा बस। तो ये क्वेश्चन मेरे को बनाने की इच्छा हो रही है और आप लोगों की बनाने की इच्छा, आप लोगों की इच्छा हो रही है कि नहीं सर आप हमको होमवर्क दे दो, लेकिन कसम है भाई आप लोगों को ना, अगर नहीं बना के आओगे तो जैद फिर 2 दिन गायब हो जाओगे कल से। अच्छा, फाइनल अकाउंट में भी वही किए थे आप, मेन वाले दिन गायब, फिर उसके आगे का कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब कल इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया तो आज आए तो आपको, और रिकॉर्डिंग प्रॉपर डल रही है उसको देखते जाने आप लोगों को, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप लोगों को 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं होमवर्क, नोट करो, इसको ट्राई करना है, ट्राई। इसमें कुछ कुछ नए नए नाम देखने को मिलेंगे, जैसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी, देखेंगे ना जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग क्या करोगे, ट्राई, और उसके बाद तीन पार्टनर भलत दिलीप जयंत वाला, ये क्वेश्चन भी आप लोग क्या करोगे, ट्राई। तो अभी सुनो मेरी बात, ट्राई करना है मतलब ऐसा नहीं है, आप लोगों को ट्राई करना है ना तो मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, लेकिन अभी क्लास में बैठ के ट्राई करना,
मैं घर से ट्राई करने नहीं बोल रहा हूं, मैं होमवर्क एक ही क्वेश्चन मिला आप लोगों को, कौन सा होमवर्क मैंने लिखा है, मतलब होम का काम है, घर का काम है, और जो जो ट्राई लिखा है वो क्लास का काम है। तो राहुल और मुस्कान, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं लेकिन क्लास चालू रहेगी, अभी आप लोगों को बनाना है। सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, इसी को बनाना है सबसे पहले। स्टार्ट कर दो, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, आपके ट्राई करने के बाद फिर मैं समझाऊंगा क्लास में, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं।